नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सामान्य प्रबंधन और प्रबंध शास्त्रियों के बारे में, जो कि प्रबंध के बारे में विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस वीडियो में हमने हेनरी फेयोल, FW टेलर और वीक आदि के बारे में बताया है विस्तृत से, और उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी हैं, क्या उन्होंने शोध किए हैं, सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। परीक्षा में इन्हीं से जुड़े हुए बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यह वीडियो आपका व्यापम संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही आप अगर चाहते हैं कि प्रबंध के MCQ वीडियो भी आपको मिलें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में जाके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। हमारे चैनल पर अभी इससे जुड़े, प्रबंध से जुड़े हुए और भी 20 सेट आपको उपलब्ध होने वाले हैं। तो कौन कौन से 20 सेट आपको उपलब्ध होने वाले हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? तो देखिए, सामान्य प्रबंध के 20 सेट आपको मिलने वाले हैं, सामान्य हिंदी के 20 सेट मिलने वाले हैं, सामान्य ज्ञान जिसमें विश्व का, भारत का और साथ ही मध्य प्रदेश का पे आधारित क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको उसमें मिलने वाले हैं। वो MCQ टाइप की सीरीज़ रहेगी, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही सामान्य विज्ञान पे भी कुछ क्वेश्चन आधारित होंगे, जिसके 20 सेट होंगे। कंप्यूटर ज्ञान पे आधारित 20 सेट और मध्य प्रदेश ज्ञान पे भी 20 सेट होंगे। तो अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई सा वीडियो अपलोड करें आप तक वह पहुँच जाए, और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको वह तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। FW टेलर, ये देखिए साइड में इनका फ़ोटो है। इनका पूरा नाम फेडरिक विंस्लो टेलर था। इनका जन्म 20 मार्च 1856 को हुआ था, और 21 मार्च 1915 को इनका निधन हो गया था। ये 59 वर्ष के थे। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक इनको कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बार बार वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसको कहा जाता है, तो FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। 1874 में ये एक शिक्षार्थी मैकेनिकल बने थे। इन्होंने 1874 में अपना मैकेनिकल करियर शुरू किया था। 6 वर्षों तक मिडवेल स्टील कंपनी में मुख्य इंजीनियर के रूप में काम किया था इन्होंने। टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए, तो इसको करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। तो टेलर ने क्या मुख्य बात कही थी? टेलर ने कहा था कि किसी भी चीज़ का प्रबंध अगर करना है, तो वैज्ञानिक पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शोध अपने किए थे। FW टेलर की मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी है? 1895 में ए पीस ऑफ रेट सिस्टम इन्होंने लिखी थी। इसके बाद 1903 में शॉप मैनेजमेंट लिखी थी। 1906 में ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि FW टेलर ने लिखी थी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो बुक्स है, जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है और परीक्षा में क्वेश्चन आता है, वो है 1911 में लिखी हुई प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो FW टेलर, याद कर लीजिए कब लिखी थी, 1911 में ये प्रकाशित हुई थी। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर। इसके बाद जो अगले हमारे प्रबंध शास्त्री हैं वो हैं हेनरी फेयोल। देखिए, इनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है प्रबंध के संबंध में। हेनरी फेयोल, ये सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है। इन्हें सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है, हेनरी फेयोल को। और जो अपने FW टेलर थे, उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। सामान्य प्रबंध और वैज्ञानिक प्रबंध, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इनका जन्म 19 जुलाई 1841 में हुआ था, और ये शांत हुए थे 1925 में। 19 नवंबर 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फ्रांस के खनन इंजीनियर एवं प्रबंध सिद्धांतकार थे ये। फेवल के अनुसार प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं? तो प्रबंध में जो कार्य किया जाता है, वो योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि फेवल के अनुसार प्रबंध के कार्य में क्या नहीं है। ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इनमें से एक कुछ नहीं होगा, और वो आपको बताना होगा। तो फेवल के अनुसार प्रबंध के जो कार्य हैं, उनमें क्या होता है? योजना बनाना मतलब प्लानिंग करना, आदेश देना मतलब ऑर्डर देना, समन्वय करना मतलब कोऑर्डिनेशन, और नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्डर और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये 4 चीज़ें फेवल ने बताई थी।
इसके बाद एक औद्योगिक संस्थान की क्रियाओं को इस प्रकार से भी उन्होंने विभक्त करने की ट्रिक बताई थी। वो क्या थी? तकनीक, वाणिज्यिक, वित्तीय सुरक्षा और लेखांकन एवं प्रबंधन। अगर एक औद्योगिक संस्थान को अगर मैनेज करना है तो तकनीकी, वाणिज्यिकी, वित्तीय सुरक्षा और लेखांकन एवं प्रबंधन का यूज़ होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि ये एक प्रबंधक में यह गुण होना चाहिए। कौन कौन से गुण होना चाहिए एक प्रबंधक में? शारीरिक, नैतिक शिक्षा, ज्ञान और अनुभव। यह सभी एक प्रबंधक, अच्छे प्रबंधक में होना चाहिए। इसके बाद इनके फेल को जो याद किया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के लिए याद किया जाता है। वो होता है फेल के 14 सिद्धांतों के सूचीबद्ध किया गया है। तो फेल ने हमें 14 सिद्धांत दिए हैं प्रबंध के लिए। किसने दिए हैं? फेल ने। तो पहला जो सिद्धांत है वो है कार्य विभाजन, दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तीसरा है अनुशासन। ये सभी बहुत ही आवश्यक है प्रबंधक के लिए। चौथा जो है आदेश की एकता, पांचवा निर्देश की एकता, छठा है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। अगर आपको सबका भला करना है तो आप अपने लिए नहीं सोचें। सातवां कर्मचारियों को प्रतिफल, अगर कर्मचारी कुछ काम अच्छा करते हैं तो उन्हें प्रतिफल भी उसका मिलना चाहिए। आठवां है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का यूज़ अपने प्रबंधन में किया जाना चाहिए। नवा उन्होंने दिया था जो अपना सिद्धांत उसमें था, सोपान श्रृंखला बनाई जानी चाहिए। दसवां है व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। ग्यारहवां समता मतलब समानता होनी चाहिए। बारहवां कर्मचारियों की उपयुक्तता। तेरहवा जो पॉइंट है वो है पहल क्षमता। और चौदह सहयोग की भावना। ये 14 सिद्धांतों पर अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेनरी फेवल की प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अगले जो हमारे प्रबंध शास्त्री हैं वह हैं लूथर गुलिक। ये साइड में इनका पिक्चर दिया हुआ है। लूथर गुलिक, इनका जन्म 1892 में हुआ था और इनका निधन 1993 में हुआ था। देखिए 1892 ई में जापान के ओसाका नामक शहर में लूथर गुलिक का जन्म हुआ था। ये लोक प्रशासन के एक विशेषज्ञ और सिद्धांतकार थे। इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था संगठन के सिद्धांत के बारे में। लूथर गुलिक ने जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने पहला था कार्य का विभाजन, दूसरा विभागीय संगठनों का के आधार, पद सोपान, स्वदेश समन्वय, समितियों के अंतर्गत समन्वय, छठा है विकेंद्रीकरण, सातवां आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड, आठवां लाइन और स्टाफ, नवा है प्रत्यायोजन और दसवां है नियंत्रण का क्षेत्र। तो लूथर गुलिक ने कितने सिद्धांत के लिए कितने पॉइंट दिए थे? 10। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहता है। इसके बाद लूथर गुलिक को सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो था एक फार्मूला उन्होंने दिया था। इस फार्मूले के बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यपालक के कार्य को कार्ब फार्मूले के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया था, जो इस प्रकार है। पी से होता है प्लानिंग अर्थात नियोजन, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, सी सी आपका जो अगला है एस, यह कार्मिक वर्ग के बारे में, डी निर्देशित करता है, सी कंट्रोल करता है, और सीओ जो होता है कोऑर्डिनेटर के लिए बोला जा गया है जो समन्वय स्थापित करता है, आर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और बी बजट के लिए यूज़ किया है। तो इस प्रकार जो POSD CORB पोस्ट कार्ब फार्मूला है इसके बारे में एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि इस फार्मूले में पी क्या डिनोट करता है, या फिर डी से क्या डायरेक्टिंग बताई जाती है, या क्या बताया जाता है, सीओ क्या यूज़ करने के लिए उपयोग किया था उन्होंने, और बी का क्या मतलब है। चलिए इसके बाद विभागीय संगठनों के आधार पर भी उन्होंने संगठन की सक्रिय कार्यकुशलता एवं सफलता के लिए उन्होंने सुविधानुसार विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में विभाजित करना आवश्यक होता है उन्होंने कहा था। इसके साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि संगठन के विभाजित विभाग या उप विभाग मिलकर कार्यों को संपादित करें। इसी संदर्भ में लूथर गुलिक ने विभागीय संगठनों के निर्माण के चार प्रमुख आधार बतलाए हैं। कौन कौन से आधार बतलाए हैं? कार्य एवं लक्ष्य मतलब पी पर्पज, पी प्रोसेस प्रक्रिया, पी मतलब पर्सन व्यक्ति, और पी मतलब प्लेस स्थान। तो इन्होंने चार पी का एक फार्मूला एक और दिया था।
अगले जो हमारे प्रबंध शास्त्री हैं वो कौन है? लिंडाल और विक। इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1891 में और 5 दिसंबर 1883 में इनका निधन हो गया था। ये ब्रिटेन के प्रबंध सलाहकार एवं व्यवसाय चिंतक थे। अब इनको क्यों अपने प्रबंध शास्त्री के रूप में क्यों माना जाता है? तो देखिए, संगठन के सिद्धांत इन्होंने दिए थे और विक ने अपनी रचना द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 29 सिद्धांतों की चर्चा की। वो 29 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला सिद्धांत है अनुसंधान, दूसरा पूर्वानुमान, तीसरा योजना, चौथा संगति, पांचवा है संगठन, छठा समन्वय, सातवा व्यवस्था, आठवा निर्देशन, नवा जो था वो कंट्रोल के लिए था, नियंत्रण, दसवा समन्वय कोऑर्डिनेशन के लिए था, 11वां सत्ता, 12वां परिमापन प्रक्रिया, 13वां कार्य विभाजन, 14वां नेतृत्व, 15वां प्रत्यायोजन और कार्यात्मक परिभाषा जो 16वां है, 17वां जो था वो था दृढ़ता, 18वां प्रयोगात्मकता और 19वां विश्लेषणात्मकता, 20वां सामान्य हित, 21वां केंद्रीकरण, 22वां कर्मचारी भर्ती, 23वां सहयोग, 24वां चयन नियुक्ति, 25वां पुरस्कार, 26वां पहल क्षमता, 27वां न्याय, 28वां अनुशासन और 29वां स्वामित्व। ये इन्होंने संगठन के सिद्धांत अपने दिए थे। तो इन्होंने नेतृत्व की अवधारणा को भी स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को का ऐसा गुण है जिसके द्वारा अन्य व्यक्ति नेता का निर्देशन स्वीकार करते हैं। और विक ने नेतृत्व के 4 कार्यों की चर्चा की है। क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, और विक के नेतृत्व के 4 कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं है या क्या क्या सम्मिलित है? तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए। यह हमारा मैनेजमेंट क्लास का स्पेशल वीडियो है, और अगर आप चाहते हैं कि MCQ आधारित भी वीडियो आपको प्राप्त हो तो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे 20 सेट उपलब्ध कराए हैं प्रबंध के बारे में। तो इसमें उन्होंने क्या क्या दिया था? और विक ने नेतृत्व के 4 कार्यों की चर्चा की है। वो 4 कार्य कौन कौन से हैं? पहला कार्य प्रतिनिधित्व करना, दूसरा पहल करना, तीसरा उद्यम का प्रशासन करना और चौथा विश्लेषण करना। साथ ही उन्होंने नेतृत्व की 4 कार्यों की चर्चा के पश्चात 6 योग्यताएं भी बताई है। वो कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए? तो वो होता है पहला आत्मविश्वास, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा जीव शक्ति, चौथा सामान्य बुद्धिमत्ता, पांचवा संप्रेक्षण क्षमता और छठा निर्णायक क्षमता। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाएंगे। और विक ने प्रशासन के साथ प्रबंध की अवधारणा को स्पष्ट किया है। उन्होंने प्रबंध को 4 मान्यताओं के संबंध में कहा है। कौन कौन सी है मान्यता है? प्रबंध कार्य विज्ञान से संबंधित है, प्रबंधन कार्यशील व्यक्तियों से संबंधित है, प्रबंध कार्यों के समूहीकरण एवं सहसंबंध से संबंधित है, प्रबंध अभिप्रेरणा एवं निर्देशन से संबंधित है। इसके बाद जो हमारे अगले प्रबंध शास्त्री हैं वो हैं पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर का जन्म 19 नवंबर 1909 में हुआ था और 11 नवंबर 2005 को ये इनका निधन हो गया था। एक अमेरिकी प्रबंध सलाहकार और शिक्षक एवं लेखक थे। वे मूलतः ऑस्ट्रिया के निवासी थे। प्रबंध शिक्षा के विकास के क्षेत्र में उन्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नामक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था प्रबंध शास्त्रियों पे। ये हमारा चैनल है विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो में जो सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन इसके प्राप्त हो सके और नए नए वीडियो आपको मिल सके। हमारा जो चैनल है उस पर और भी वीडियो आपको प्रबंध के बारे में दी है, पूरी MCQ सीरीज़ उस पर दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी प्रबंध के क्षेत्र में अच्छी हो तो आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उन वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धन्यवाद।